ये देखो, ये हाईवे पे फंस गए हैं अब तो कोई मतलब कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तो गाड़ियाँ इतनी स्पीड में चलती हैं और ये बाइक भी नहीं शुरू हो रही। ये देखो, सेल्फी भी नहीं ले रहा अब तो। मतलब दो बार इसकी बैटरी चेंज हो गई। पता नहीं उन लोग को बार बार बैटरी का फॉल्ट लग रहा है। हम बोल रहे हैं इसको बैटरी का फॉल्ट नहीं है भाई, ये कुछ और है। कैसे चूतिया बंदे बैठे हैं सर्विस सेंटर में कि इन्हें समझ ही नहीं आता भाई दिक्कत क्या है बाइक में। हम लोगों को नई नॉलेज आ रही थी। नहीं, उन लोग वो लोग काम करते हैं उस चीज़ का, उन लोगों को तो नॉलेज है, फिर भी यार वो ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे अनाड़ियों को भर्ती कर रखा सर्विस सेंटर वालों ने। मतलब कुछ पता ही नहीं है उन्हें, ऐसे ही भर्ती कर लिया और ऐसे ही पैसे दे रहे हैं बस उन्हें सैलरी के तौर पर। तो भाई मनाली तो पहुंच गए, लेकिन भाई बाइक नहीं चल पा रही। बाइक ने बिल्कुल साथ छोड़ दिया है और इग्निशन कॉइल बिल्कुल यानी एकदम लास्ट पॉइंट पर है। और ज़्यादा थोड़ा लोड डाला तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जल जाएगी। ऊपर से सेल्फ की मोटर भी नहीं चल रही है, धक्का लग नहीं रहा है क्योंकि ऊपर नीचे है और भारी बाइक है, लगेज भी साथ में है। ये और ज़्यादा परेशान हो रही है। और यहाँ पर इतने गंदे बंदे हैं ना, बैंक कोई मैकेनिक आने को रेडी नहीं हो रहा कि वर्कशॉप तक ले जाए। और रॉयल इनफील्ड वाले भी कोई हेल्प नहीं भेज रहे हैं। 5 किलोमीटर की बात है और 5 किलोमीटर तक की हेल्प नहीं दे रहे हैं यहाँ पे मनाली में। इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है कि क्या बताऊँ। बहुत परेशान हो भाई इस बाइक से तो बहुत ज़्यादा। एक साथ दोनों चीज़ें खराब हुई है ना, सेल्फ काम कर रहा है ना बाइक, धक्के से स्टार्ट हो भी रही है तो 5 मिनट बाद बंद हो जा रही है। एक चीज़ ख़राब हो जाए तो समझ में भी आता है सारा। सेल्फ ख़राब हो जाए तो धक्का लगा दे, इग्निशन कॉइल नहीं होती। अगर इग्निशन कॉइल भी ठीक होती ना तो एक बार धक्का लगा के हम खींचते हुए ले जाते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर सकते हम। तो भैया रात के कुछ 10 बजे रहे हैं और ये टनल है और इसके सामने देखो लैंडस्लाइड। और ये आयशा, क्या हाल चाल? नींद आ रही है बेबी, प्लीज। ओके तो भाई हम मंडी पहुंचे थे रात के कुछ 12 बजे के आसपास और हमने यहाँ स्टे लिया था। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी तक हमने बाइक को स्टार्ट नहीं किया। आप लोगों के सामने स्टार्ट करते हैं, देख ले ये स्टार्टिंग वाली हो जाती है। तो गाइस अपडेट दे दूं, इसकी बैटरी दोबारा से चेंज हुई है। जो भी फॉल्ट था बैटरी का था, यानी कि कारगिल से बंदे ने जो रॉयल एनफील्ड वाले हैं उन्होंने फॉल्टी बैटरी लगा कर दे दी थी, इसलिए हमें इतना परेशान होना पड़ा। इसकी A to Z चेकिंग करा ली सारी चीज़ें, वो फॉल्टी लास्ट में बैटरी ही निकली। अब इसमें न्यू बैटरी लगी हुई है, वो उनकी बैटरी मेरे डब्बे में डाल रखी है। दिखाओ, मैं स्टार्ट करूं बाइक। रुक जा सीधा खड़े होके करता हूँ, ले वीडियो बना। ठीक है, देखते हैं गाइस कि बाइक स्टार्ट होती नहीं होती। भाई हो गया यार, इंजन ऑन। हो गई, अब हम घर पहुंच पाएंगे गाइस, घर पहुंच पाएंगे। फाइनली घर जा रहे हैं, घर घर। मतलब ठीक है, पहले वहां से भागने की सोचती थी लेकिन अब ऐसा लग रहा है नहीं यार, बस घर चलो बस चलो। ऐसा इतना ज्यादा मतलब दिक्कत आ गई है हमको। कैसा लगा ये ट्रिप? मस्त था, बहुत एडवेंचर था। लेके जाएगी सीधी टनल है, बिल्कुल 5 टनल आएंगी। और बैड न्यूज ये है कि जो भी मनाली का व्यू होता है वो सारा आपका मिस हो जाएगा, लेकिन आपका टाइम बहुत बचेगा गाइस। मतलब हम 2 घंटे से पहले ही पहले हम लोग मंडी से चंडीगढ़ आ चुके हैं। मतलब सीधी टनल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, टनल टनल में आ गए बस। ये देखो, ये हाईवे पे फंस गए हैं अब तो कोई मतलब कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तो गाड़ियाँ इतनी स्पीड में चलती हैं और ये बाइक भी नहीं शुरू हो रही। ये देखो, सेल्फी भी नहीं ले रहा अब तो। मतलब दो बार इसकी बैटरी चेंज हो गई। पता नहीं
उन लोग को बार बार बैटरी का फॉल्ट लग रहा है, हम बोल रहे हैं इसको बैटरी का फॉल्ट नहीं है भाई, ये कुछ और है। कैसे चूतिया बंदे बैठे हैं सर्विस सेंटर में कि इन्हें समझ ही नहीं आता भाई दिक्कत क्या है बाइक में। हम लोगों ने कुछ हम लोगों को नई नॉलेज आ रही थी नहीं, उन लोग वो लोग काम करते हैं उस चीज़ का, उन लोगों को तो नॉलेज है, फिर भी यार वो ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे अनाड़ियों को भर्ती कर रखा सर्विस सेंटर वालों ने, मतलब कुछ पता ही नहीं है उन्हें, ऐसे ही भर्ती कर लिया और ऐसे ही पैसे दे रहे हैं बस उन्हें सैलरी के तौर पे। क्या करें अब, फंस गए रोड पे। ये देखो गाइस बीच रास्ते पे ये रॉयल एनफील्ड की बाइक बंद पड़ गई है, पहले भी बंद पड़ी है, 3 बार सर्विस सेंटर वालों को दिखाया है, अब सेल्फ भी नहीं ले रही, वो बार बार इसकी बैटरी चेंज कर रहे हैं जबकि उन्हें बताया है कि बैटरी की दिक्कत नहीं है, 2 बार 4000 की बैटरी डाल दी है इसमें और फिर भी ये स्टार्ट नहीं हो रही है, अब ये बीच हाईवे पे खड़ी हो गई, बताओ अब कहाँ जाए हम, क्या करें कहाँ फंस गए रास्ते में हम सर्विस सेंटर वालों तक। भाई ये रॉयल एनफील्ड के ओनर तक ये वीडियो पहुँचाओ ताकि हमको कुछ हेल्प मिल सके, हम यहाँ फंसे हुए हैं, यहाँ पे स्पीड में गाड़ियाँ होती है, कोई गाड़ी नहीं रुकेगी हेल्प करने के लिए। ये देखो गाइस ट्रक पे खड़े होकर लिफ्ट मांग रहा था बट इसे लिफ्ट भी नहीं मिली। क्या जुलम है लड़कों के साथ भाई, क्या जुलम है। झटझट एक बार में मिल जाती थी मेरे को, लेकिन अब इसकी ट्राई करने की बारी है। कहाँ गया ये खंबे के पीछे, इसको देखो बाइक यहाँ खराब पड़ी है, इसको ये जब से आई है खाए जा रही है, कभी गोलगप्पे कभी बर्गर कभी टिक्की। इसको खाने की पड़ी हुई है, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, ओवरहीटिंग की वजह से। अच्छा तो भाई सिप्पू आ रहा है हमें लेने के लिए, वो बस पहुँच गया है, अब देखो कितना टाइम लगाता है। इसको रूपनगर छोड़ते हैं सर्विस सेंटर में, अपना घर निकलते हैं भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इसको और नहीं झेल सकता। अगले हफ्ते या दो तीन हफ्ते बाद आऊँगा इसको लेने के लिए, जब ये ठीक हो जाएगी पूरी। हमने वहाँ पे छोड़ दिया था हमें, यानी देखना तार से स्प्लेंडर वाले ने, उससे हमने रिक्वेस्ट करी, उसने यहाँ तक छोड़ दिया, वो कह रहा मेरा घर यहाँ पे है, मैं ले आ जाता हूँ। तो जी बाइक पहुंच गई डेस्टिनेशन पे, और ये है भाई फ्लैट जहाँ पे बाइक पार्क होगी। भाई तेरे टायर के कीचड़ ने हमें बे दिया। हाँ निकलेंगे भाई। तो भाई जिंदगी में इतना स्ट्रगल किसी ने नहीं किया होगा जितना हमने कर लिया, वो भी बाइक के चक्कर में। बाइक एक बार में ठीक होनी चाहिए, यहाँ 4-4 बार हमने मैकेनिक को दिखा लिया, वो भी प्रॉपर ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर में। भाई ये हाल है भाई रॉयल एनफील्ड का, सोच समझ के लेना भाई इस कंपनी में अगर जा रहे हो। बाकी मैं और कुछ नहीं दिखा सकता आपको, अवेयर ही कर सकता हूँ मैं, बाकी तो चलो इसको घर पहुँचाए। अभी तो छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे, आऊँगा 1-2 हफ्ते में फ्री होकर। आ चुके हैं और इतना रिपेयर कराने के बाद भी बाइक रिपेयर नहीं हुई, तो लास्ट ऑप्शन ये था कि फ्रेंड के घर पर बाइक छोड़ के चंडीगढ़ में, चलो बस ढूंढते दिल्ली की बस, रोडवेज के धक्के खाएंगे। किसी से भी जाना चाहती हूँ, बस घर जाना चाहती हूँ। हाँ घर की इतनी याद आ रही है कि क्या ही बताएं। देखो बोझ हटाते इतना सामान और ये अकेली जान मेट्रो में।